आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है और उसी दिन मैंने जैसे पहले जाहिर किया था कि हम मतलब शिवसेना नासिक में जाएंगे और नासिक में काळाराम मंदिर जो है वहां जाकर प्रभु रामचंद्र सीतामाई का दर्शन करेंगे और उसी शाम जो गोदावरी नदी है वहां से कुछ मिनट 4-5 मिनट पर की दूरी पर है तो वहां जाकर हम शाम को आरती करेंगे और हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है सिर्फ रामलल्ला की पूजा नहीं है, अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो सिर्फ रामलल्ला या सीतामाई की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, हमारे देश की अस्मिता की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में हमने सब सुना है, पढ़ा है और गूगल पर भी है, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के तरफ से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हम तो चाहते थे या चाहते हैं आज भी वैसे ही वहां अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि एक पवित्र क्षण है। हम तो दिल से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करने जा रहे कर रहे आपके माध्यम से एक आमंत्रण दे रहे और हमारे सांसद है और जो भी मतलब सांसद है नेता है वो वहां जाकर उनको ठीक से आमंत्रित भी करेंगे। जो शंकराचार्य जी ने बताया कि अधूरे मंदिर में पूजा करना ठीक नहीं शास्त्र की, इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं भक्त जरूर हूँ लेकिन देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ, और अंधभक्त हो तो मैं देशभक्त हूँ, देश का अंधभक्त हूँ, शास्त्र में मैं नहीं जाना चाहता। राम मंदिर होना चाहिए, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, हमारी सबकी है, आपकी भी है, और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आनंद का क्षण है तो खुशी तो मनानी चाहिए, लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है और उसके अनुसार कैसे होना चाहिए, एक सलाह मशवरा होनी चाहिए, सलाह मशवरा होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ जो भी जिसने किसी ने ये मुहूर्त या तारीख तय की होगी तो उन्होंने जो पंडित है उनके साथ सलाह मशवरा की होगी, अन्यथा शंकराचार्य जी जिसको हम मानते हैं शंकराचार्य मानते हैं उनकी सलाह लेने की आवश्यकता थी और आज भी अगर हो सके तो लेनी चाहिए, उसमें कमी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अहंकार की क्यों है बात, अगर कुछ अच्छी बात करने जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। खैर वो तो बात शास्त्र की रही, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, जैसे मैंने कहा मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं तो राम भक्त हूं, देशभक्त हूं और राम मंदिर होने जा रहे हैं उस वक्त तो दिवाली मनाई नहीं जानी चाहिए और इसलिए तो हम राम मंदिर में जा रहे हैं, शाम को गोदावरी के किनारे पर हम आरती भी कर रहे हैं, सिर्फ दिवाली मनाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके बाद मराठी में जो कहते हैं दिवाड़ो उसके ऊपर भी बाद में चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा चाहे आप चाय पे करो, कॉफी के पे करो, लस्सी पे करो, ढोकले पे करो, शेव पापड़ा पे करो, फरसान पे करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। विशेष कानून नहीं बनाया जो कांग्रेस सरकार थी वो कांग्रेस सरकार, ये किसने कहा, देवेंद्र फडणवीस, उनका क्या संबंध है इससे, उनकी उम्र कितनी थी उस वक्त, तो छोड़ो कहा कि कोई आपके आज के शिवसेना जैसे आप कह रहे वो कहेंगे शिवसेना की कोई नेता नहीं, देखो उनका अज्ञान दूर करने के लिए दूर करना मेरा काम नहीं है, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अज्ञानी होते हैं तो उनका उनको ठीक से गुरु मिलना चाहिए तो उनको अच्छा गुरु मिले, ये मेरी काम प्रभु रामचंद्र की काम है। मैंने कल इस बारे में जवाब दिया, एक मिनट बोल, तो जो बोल रहे हैं कि शिवसेना का योगदान क्या है, मिस्टर फडणवीस एक लॉयर है, वकील है, जाइए लखनऊ में जो स्पेशल कोर्ट बना था बाबरी के बाद उसमें चार्जशीट में सभी आरोपियों के नाम दिए हैं, लगभग 1000 से भी ज्यादा आरोपी हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा नाम शिवसेना नेता और शिवसैनिकों के हैं, ऑन रिकॉर्ड है,